जया विशारा सामली बारी दो तली शंकर जी की पांच लड़कियां, ऊपर से जो पानी गिर रहा है, बीच में जहां से ये जल गिरता है उसके बीच में एक मोटी लाइन होती है, ये मोटी लाइन शंकर जी की छठे नंबर की लड़की है अशोक सुंदरी, शंकर भगवान की छोटी लड़की अशोक सुंदरी, ये बीच में शंकर जी का संपूर्ण परिवार उस शिवलिंग के पास में होता है। जिस दिन आप पशुपति व्रत करें उस दिन चंदन ये दोनों चरण चरणारविंद में लगाएं और कंकु रोली बीच में जो लाइन है अशोक सुंदरी की वहां चढ़ा और भगवान शंकर से विनती कर कर उसी रोली और चंदन को मस्तक पर लगाकर अपनी कामना कर कर वापिस सजाए। पांच पशुपति व्रत भगवान पशुपति नाथ के नाम से करें और उसके बाद में पांचवें व्रत के दिन एक श्री फल पर मोली लपेट कर अपनी कामना कर कर एक स्वाद बेलपत्र के साथ शंकर को चढ़ा दें और सीधा सीधा जानते हो आटा चावल दाल वगैरह नमक मिर्ची शंकर जी के मंदिर में सीधे के भाव से ब्राह्मण को दे दें, शाम को व्रत तोड़ लें। पांच व्रत जो पशुपति व्रत को कर लेता है पशुपति व्रत के नाम से उसके मनोवांछित फल कामना पूरी हो जाती है, शंकर उसके मन की कामना पूर्ण कर देते हैं। ऐसे पशुपति अगर कोई बच्चा सीए की पढ़ाई में कर रहा हो या कोई अच्छी पढ़ाई कर रहा हो उसकी नौकरी नहीं लग रही हो या पास नहीं हो रहा हो अच्छे नंबर से निकल ही नहीं रहा हो एग्जाम नहीं पास ही नहीं हो पा रहा हो तो उस बच्चे के लिए पशुपति व्रत अगर एक व्रत भी वो पशुपतिनाथ का कर लेता है और बीच में जो लाइन है उस लाइन पर शहद चढ़ा देता है और उस शहद को चम्मच में उठा कर लियाता है एग्जाम देने के एक दिन पहले वो शहद खा लेता है तो बच्चा अच्छे नंबर से पास हो जाता है, कभी जिंदगी में फेल नहीं होता, जो एग्जाम में बैठेगा उसमें अव्वल निकल जाए। पशुपति व्रत का इतना प्रमाण है, साधारण व्रत नहीं है पशुपति। शंकर भगवान ने पशुपति रूप धारण किया, समय बीता आगे चरित्र आता है महाराज, आगे जो वर्णन किया माता पार्वती जी के साथ में भगवान शिव विराजमान है तभी उसी समय पर भगवान शंकर भूत भावन बैठे हुए थे। एक शंखचूर्ण नाम का राक्षस हुआ जिसकी धर्म पत्नी का नाम था तुलसी। शंखचूर्ण अपनी प्रवृत्ति में रमा रहता था गलत काम करना और तुलसी भगवान शंकर की आराधना में भगवान शंकर की भजन में लगी रहती थी। शंखचूर्ण राक्षस की प्रवृत्ति इतनी प्रखर थी, मदिरा का पान करना मांसाहार करना गलत काम करना इन सब प्रवृत्तियों को देखकर सारे देवताओं ने भगवान शिव से विनती करी, भोलेनाथ इस शंखचूर्ण को मारना जरूरी है। शंकर भगवान ने कहा इसको मार नहीं सकते क्योंकि इसकी धर्म पत्नी बड़ी सात्विकवान है, पति की सेवा करने वाली, पति को परमेश्वर मानने वाली, भगवत तत्व में डूबने वाली है, भगवत तत्व में कभी गलत संगति में नहीं पड़ी, क्या करा जाए। तो एक काम करते हैं, भगवान विष्णु को शंखचूर्ण राक्षस की पत्नी के पास भेज दिया जाए, शंखचूर्ण का रूप रखकर। शंखचूर्ण का रूप रखकर शंकर भगवान के कहने पर भगवान विष्णु को भेजा गया उसकी धर्म पत्नी के कक्ष में। धर्म पत्नी सोची मेरा पति है, उसके साथ में रही, उससे उसका सातित्व डिग गया, सातित्व समाप्त हुआ। शंखचूर्ण राक्षस के साथ शंकर भगवान आनंद में युद्ध करे और युद्ध कर कर भगवान शंकर ने शंखचूर्ण को मारा। जैसे शंखचूर्ण राक्षस नीचे गिरा, शंखचूर्ण राक्षस को मरते ही शंकर भगवान ने अपने पांव के प्रहार से उसको समुद्र में फेंक दिया। समुद्र में फेंकते ही शंखचूर्ण राक्षस की हड्डियों से शंख जाति का निर्माण हो गया। काय का निर्माण हुआ है? शंख जाति का। हिंदू धर्म में सारे देवताओं पर शंख का जल चढ़ सकता है, केवल एक भोलेनाथ ऐसे हैं शंकर भगवान जिन पर कभी शंख का जल नहीं चढ़ता। काय का जल नहीं चढ़ता? शंख। अगर भगवान शंकर पर शंख का जल चढ़ जाए तो 1000 गौ हत्या के बराबर दोष लगता है मां, शंख के जल का इतना दोष है, शिव जी को नहीं चढ़ता, शंकर भगवान को समर्पित नहीं। शंख का
सारे देवताओं पर शंख का जल चढ़ेगा, पर शंकर पर नहीं चढ़ेगा, शिव जी पर नहीं चढ़ेगा, क्योंकि भगवान शंकर ने शंख चूर्ण राक्षस के वध कर उसके चरण का प्रहार कर भगवान ने उसको समुद्र में पटका, जिससे शंख चूर्ण राक्षस की हड्डियों से शंख जाति का निर्माण हुआ। शंख चूर्ण राक्षस की हड्डियों से शंख जाति का निर्माण होता है महाराज। यहाँ पर तुलसी का जो सातित्व डिगा, तुलसी क्रोध में लाल हो गई और लाल होकर भगवान विष्णु से कहा, नारायण तुमने मेरे साथ छल करा है, जाओ मैं तुम्हें श्राप देती हूं कि तुम पत्थर के हो जाओ। और तुलसी अपने ऊपर जल डालकर गंडकी नदी के रूप में बहने लगी। गंडकी नदी के रूप में जब तुलसी आई तो गंडकी नदी प्रकट होकर बोली, हे शंकर भगवान तुमने मेरे पति को मारा है, इसलिए मैं कभी भी तुम पर नहीं चढ़ूंगी। पूरी दुनिया में केवल एक ही जल है, गंडकी नदी का जल, जो शंकर जी पर कभी नहीं चढ़ता महाराज। गंडकी नदी कहाँ है? चीन और नेपाल की बॉर्डर पर। आप लोग अगर पशुपति गए हो, नेपाल गए हो, तो नेपाल में अगर शंकर भगवान का अभिषेक होता है तो वो आपसे पूछते हैं, पंडित जी ये जल कहाँ का है? अगर आप बोलेंगे कि हम भारत से लेकर आए हैं, इंडिया से लेकर आए हैं, तो वो जल शंकर जी पे चढ़ाने देंगे। अगर आपने कह दिया नेपाल का जल है तो वो नहीं चढ़ाने देंगे, क्योंकि वहाँ गंडकी नदी का जल आता है और गंडकी नदी का जल शंकर को नहीं चढ़ने देते। गंडकी ने कहा, तुलसी बोली है, गंडकी बोलती है, नारायण तुमने मेरे साथ में गलत कृत्य कर मेरे सातित्व को डिगाया है, इसलिए मैं तुम्हें श्राप देती हूं, तुम पत्थर के होगे और तुम्हारा प्रागट्य मेरे जल से होगा। आज भी गंडकी नदी का नियम है, गंडकी नदी में ऐसे तुलसी के दल को लेकर जाओ, अपने अंगूठे से तुलसी के दल को दबाओ, गंडकी नदी में हाथ नीचे करो, जैसे ही नीचे करोगे तुलसी बह जाती है और हाथ में शालिग्राम जी आ जाते हैं, हाथ में शालिग्राम जी आ जाते हैं। पर शालिग्राम भगवान के अंदर एक कीड़ा होता है, जो कीड़ा तुलसी को खाता है और सोने को उगलता, तुलसी को खाकर सोना उगलता। जब तुलसी खाकर सोना उगलता है तो वो चीन की गवर्नमेंट वो शालिग्राम जी को हमसे ले लेती है और उसको तोड़कर उसमें से वो कीड़ा और सोना निकालने के बाद शालिग्राम जी को हमें प्रदान करती है, तब हमें देती है। आज तो हम लेकर नहीं आए, नहीं तो हमारे पास में भी ओरिजिनल शालिग्राम जी विराज रहे हैं। कल आपको प्रयास करेंगे कि दर्शन कराएं, आप सब लोग दर्शन करना उनका, कि शालिग्राम जी को तोड़ने के बाद उसमें से सोना और कीड़ा निकाल कर फिर चीन की गवर्नमेंट अपने को शालिग्राम जी वापस प्रदान करती है। शालिग्राम भगवान गंडकी नदी से प्रकट होते हैं। महाराज भगवान शंकर विराजमान हुए, आगे चरित्र आता है, भगवान भूत भावन भूतेश्वर भोलेनाथ आनंद में विराजे हुए हैं, आनंद में विराज। चरित्र आया, हिरण्यकशिपु तप किया, साधना किया। अब यहां शिव महापुराण में वेदव्यास जी ने प्रहलाद का चरित्र लिखा, क्यों लिखा वो कथा भी आगे आ रही है। हिरण्यकशिपु ने तप करा, ब्रह्मा जी से वर मांगा, ना नीचे मरू ना ऊपर मरू, ना अंदर मरू ना बाहर मरू, ना अस्त्र से ना शस्त्र से, ना दिन में ना रात में, ना नर से ना पशु से, ना ही 12 महीने में मरू, ऐसा वर मांग लिया। ब्रह्मा जी ने कह दिया तथास्तु। जब हिरण्यकश्यपु घर पहुंचे, उनकी धर्मपत्नी नहीं थी। धर्मपत्नी कहां गई? तो के देवऋषि नारद के यहां गई। इंद्र क्या गई? इंद्र के यहां से देवऋषि नारद क्या गई। नारद जी ने हिरण्यकश्यपु की पत्नी जो गर्भ से थी उसको इतना भजन कराया, इतना भजन कराया कि वो भजनावली हो गई। महाराज अंदर गर्भ में जो बच्चा था उसने आते से जन्म लेकर भगवान के नाम का एहलाद करा, तो उसका नाम क्या हो गया? प्रहलाद हो गया। प्रहलाद, ये गर्भ का ज्ञान। हमारे यहां का शास्त्र कहता है गर्भवती नारी को भगवान का भजन करना चाहिए। बोलती कि नहीं बोलती सास? अरे बोलो तो सरी, सास को पहचानते हो? अरे बोलो तो, पहले होती थी सासू, जो दिला दे आंख में आंसू। आज के जमाने में होती है सास, जिससे लगी रहे चाबी की आस, कब मरे और कब मिले चाबी।
है कि नहीं है? अरे बोलो तो कौन? सास है? सेवा करते हो कि नहीं करते? अरे बोलो तो करते हो? सब करना चाहिए, मौका मिला है माता पिता की सेवा करने का तो उसको छोड़ना नहीं, खूब करो, दिल से करो। माता पिता की सेवा करो रे, सेवा करो तो मेवा मिले, नहीं नहीं सेवा करो तो चाबी मिले रे, सेवा करना नित्य करे। हमारे नामदेव जी महाराज तो यही तो कहते थे, कुत्ते में भी उन्होंने भगवान को देखा, देखा कि नहीं देखा? घी की बाटकी लेके दौड़े तो नामदेव जी महाराज का चरित्र पढ़कर ही तो किसी ने फिल्म में गीत लिख दिया, तुझ में रब दिखता है यारा मैं क्या करूं। नामदेव जी की कथा पढ़ने के बाद लिखा है कि तुझ में रब दिखता है, कुत्ते में भी नारायण है तो पक्षी में भी नारायण है, तो पशु में भी नारायण है, जलचर थलचर वायुचर ऐसी कोई जगह नहीं जहां भगवान नहीं, हर एक में रब है, हर एक में परमात्मा, सब सबके भीतर वही समाहित है। हम बुरा देखेंगे तो बुरा मिल सकता है, अच्छा देखेंगे तो अच्छा मिल। नामदेव जी महाराज ने भगवान को देखा तो भगवान मिला। एक राजा को मालूम पड़ा कि हमारे नगर में एक व्यक्ति ऐसा रहता है कि जिसका सुबह से मुंह देखो तो भोजन नहीं मिलता, ऐसा खोड़ला व्यक्ति हमारे यहाँ रहता है। राजा ने कहा ऐसा भी होता है क्या? रानी से पूछा, रानी ये बताओ ऐसा होता है क्या किसी का मुंह देख लो तो सुबह से भोजन नहीं मिलता? रानी ने कहा मालूम नहीं, पर कोई लोग कहते हैं अपने नगर में एक व्यक्ति ऐसा जिसका मुंह देखो तो भोजन नहीं मिलता। राजा ने रानी से कहा एक काम करता हूं, कल जरा उसका मुंह देखूंगा। राजा ने उस आदमी को बुलवाया अपने